सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। देश के सबसे बड़े रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण हो गया है। इसकी सफलता के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इस अभियान के साथ जुड़े वैज्ञानिक इसकी कामयाबी से बेहद उत्साहित हैं। प्रक्षेपण के बारे में बताते हुए एक वैज्ञानिक ने कहा कि इसकी सफलता एक तरह से अपने बच्चे को पहली बार चलते हुए देखने जैसा है। आइए जानते हैं इसकी 10 खूबियां। नंबर 1, GSLVM के तृतीय देश का पहला ऐसा उपग्रह है जो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तेज स्पीड वाली इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने में सक्षम है। नंबर 2, इंटरनेट सेवाओं का फैलाव शायद तुरंत न हो, लेकिन देश ऐसी क्षमता विकसित करने पर जोर दे रहा है जो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट की पहुंच से दूर स्थानों को जोड़ने में महत्वपूर्ण हो। नंबर 3, 3 टन से ज्यादा वजनी GSAT-19 उपग्रह भारत में बना और प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी उपग्रह है। यह एक विशालकाय जानवर के बराबर है। नंबर 4, GSAT-19 को पहली बार स्वदेश निर्मित लिथियम आयन बैटरियों से संचालित किया जा रहा है। नंबर 5, अब तक 2300 किलोग्राम से अधिक वजन के संचार उपग्रहों के लिए इसरो को विदेशी लॉन्चरों पर निर्भर करना पड़ता था। नंबर 6, GSLVM के थरी 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को उठाकर भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा GTO और 10000 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाने में सक्षम है। नंबर 7, यह रॉकेट 640 टन वजनी और 43.43 मीटर लंबा था। नंबर 8, इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि रॉकेट के मुख्य व सबसे बड़े क्रायोजेनिक इंजन को इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत में ही विकसित किया। नंबर 9, इस मिशन की सफलता से अब वजनी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विदेशी एजेंसियों को जो पैसे दिए जाते थे वो बच जाएंगे और भारत विदेशी ग्राहकों को लुभाने में भी सफल होंगे। नंबर 10, GSAT-19 एक बहुतरंगी उपग्रह है जो का और कू बैंड वाले ट्रांसपोंडर्स अपने साथ लेकर गया। GSAT-19 की सबसे नई बात यह है कि पहली बार उपग्रह पर कोई ट्रांसपोंडर नहीं था। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।